नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपका तीन चैनल स्टॉक्स एजुकेशन में। दोस्तों इस चैनल में मैं आपके लिए स्टॉक मार्केट से डेली अपडेट लाता रहता हूँ, सो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। दोस्तों चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि आपको डेली अपडेट्स मिलता रहे। दोस्तों फ्यूचर रिटेल लिमिटेड, अगर इस शेयर की बात करें तो यह शेयर काफ़ी अच्छा ग्रो हो रहा था जिस हिसाब से रिलायंस के साथ इनका डील हुआ था, लेकिन बीच में आ गया अमेजॉन और उसके बाद इनका शेयर जिस हिसाब से ग्रो हो रहा था उस हिसाब से गिरना स्टार्ट हो गया, क्योंकि पूरा का पूरा मामला चला गया है कोर्ट में। अब कोर्ट क्या डिसीजन लेगा क्या नहीं लेगा वो तो बात उसी टाइम पता चलेगा जब कोई डिसीजन आ जाएगा, लेकिन जो बीच बीच में छोटे मोटे न्यूज़ आते रहते हैं कि कोर्ट ने क्या डिसीजन लिया क्या लिया छोटे मोटे, तो उसका इफेक्ट आपको शेयर में, यानी कि थोड़ा बहुत ऊपर जाता है तो थोड़ा बहुत नीचे भी आता है, अच्छे न्यूज़ आते हैं तो ऊपर चले जाता है, अगर थोड़े से नेगेटिव न्यूज़ आते हैं तो नीचे आ जा सकता है। तो अभी तो यही चल रहा है, तो क्या इस शेयर को अभी हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर जो लोग ऊपर इसे इन्वेस्ट कर रखे हैं तो उनको क्या करना चाहिए, क्या उन्हें सेल कर देना चाहिए अदरवाइज एवरेज करना चाहिए, कंप्लीट बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं। तो दोस्तों आज के अगर डिटेल की बात करें तो आप देखेंगे 71 रुपये पर यह शेयर क्लोज हुआ था। अगर गिरावट की बात करें तो 6.64% की गिरावट देखने को मिला आज के डेट में। अगर इसके हाई की बात करें तो आप देखेंगे 77.30 रुपये तक यह शेयर हाई बनाया और उसके बाद ओपन हुआ था। अगर हाई की बात करें तो 77.50 रुपये का इसने अपना हाई बनाया, लेकिन गिरावट आई उसके बाद 68.45 रुपये तक यह शेयर गिरा था, यानी आज का इसका लो था 68.45 रुपये। तो देख लेते हैं और डिटेल। अगर 52 वीक हाई और लो की बात करते हैं तो आप देखेंगे 52 वीक लो 60.70 रुपये जो कि 9 अप्रैल 2020 को इसने बनाया था। अगर इसके बाद लो की हाई की बात कर लेते हैं 52 वीक तो आप देखेंगे 365 रुपये जो कि 20 फरवरी 2020 को बना था, यानी कि 2021 में ना ही इसने अपना लो बनाया ना ही अपना हाई बनाया, लेकिन जल्दी हो सकता है कि अपना लो बनाता हुआ भी दिख जाए। तो देख लेते हैं और डिटेल। अगर डिलीवरी की बात करें तो 47.47% की डिलीवरी उठाई गई है। क्वांटिटी की बात करते हैं तो आप देखेंगे 65, अगर देखेंगे क्वांटिटी पे जो नंबर हैं यानी जो क्वांटिटीज हैं उनकी बात कर लेते हैं तो आप देखेंगे 36,52,313 की क्वांटिटी जो कि डिलीवरी बेस पे उठाई गई है, यानी लोग अब भी बुलिश हैं इस शेयर को लेकर। और वो क्यों बिना, क्योंकि जिस हिसाब से इस शेयर में गिरावट आ रही है तो जाहिर सी बात है सबको उम्मीद है कि जैसे ही ये डील कंफर्म हो गया यानी रिलायंस का साथ अगर डील कंफर्म हो जाता है तो ये शेयर फिर से बाउंस बैक करेगा, और अगर कंफर्म नहीं हुआ तो फिर शेयर में भारी गिरावट भी आ सकती है, क्योंकि दोनों चांसेस हो सकते हैं। अभी तो कोर्ट भी जाने कि क्या फैसला होगा और क्या प्रूफ मिलेगा, लेकिन अभी हमें इस स्टॉक में क्या करना चाहिए। तो दोस्तों अभी इस स्टॉक में एवरेज तो मेरे ख्याल से बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर आप रिस्क लेना पसंद करते हैं तो फिर आप कर भी सकते हैं, आपकी मर्जी, लेकिन मेरे ख्याल से एवरेज अभी नहीं करना चाहिए। शेयर अभी और नीचे भी जा सकता है क्योंकि अभी कुछ खास क्लियर न्यूज़ नहीं आया है, और जैसे ही न्यूज़ अपडेट होता है उसके बाद आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों अगर हम बात करें फ्रेश एंट्री की तो मुझे लगता है फ्रेश एंट्री की जा सकती है, बट यह शेयर और नीचे आता है यानी कि 60-62 रुपये के आसपास भी खरीदारी की जा सकती है और शेयर हो सकता है उसके भी नीचे आए। तो लेकिन एक ही इंस्टॉलमेंट में सारा अपना कैपिटल नहीं लगाना है, आप कम से कम 4 इंस्टॉलमेंट तो ज़रूर बनाए ही बनाए ताकि आपको पता हो कि जैसे जैसे शेयर गिरता जाए आप उसमें खरीदारी करते रहें, ताकि आपका जो एवरेज एक बनेगा वो काफ़ी अच्छा प्राइजिंग मिल जाएगा। और अगर बाउंस बैक करता है यानी डील कन्फर्म हो जाता है, अगर कोर्ट की तरफ से भी अच्छा खासा क्लियर कट कुछ मिल जाता है तो आपको अच्छा खासा आपको प्राइजिंग मिल सके। लेकिन अगर इस शेयर में यानी कि और भारी गिरावट आती है और डील कंफर्म नहीं होता है तो फिर अगर ज़्यादा गिरे भी तो आपका जो एवरेज प्राइस होगा वो आपको संभाल लेगा, क्योंकि आपने नीचे भी बाई किया है ऊपर भी बाई किया है, तो आपका जो एवरेज बनेगा वो मीडियम का बन जाएगा और आपको एक अच्छी प्राइजिंग मिल जाएगी। तो शेयर जब भी बाउंस बैक करेगा तो आप को जल्द सबसे पहले निकलने का मौका मिल जाएगा, इस बात का जरूर ध्यान रखें। अदरवाइज इस शेयर को अभी अवॉइड करें, इसी प्राइस पे आपको इससे भी अच्छे स्टॉक्स मिल जाएंगे। मेरी पर्सनल माने तो मुझे लगता है कि अभी तो अवॉइड करें अगर मेरे हिसाब से चलें तो, बाकी आपकी मर्जी, आपका जो इन्वेस्टमेंट प्लान होगा उसके अकॉर्डिंग आप चल सकते हैं अभी, क्योंकि सेम प्राइस पे आपको जब इससे भी अच्छे स्टॉक्स मिल रहे, क्योंकि अभी केस का देखिए कुछ भी नहीं कहा जा सकता और इंडिया में जिस हिसाब से केसेस चलते हैं काफ़ी सालों साल चलते रहते हैं, तो जब तक कुछ खास क्लियर कट नहीं आएगा उधर से तब तक कुछ कहा भी नहीं जा सकता, तो वही डिसीजन है, बाकी आपकी मर्जी, तो आप देख लीजिए। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, वीडियो को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।